डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। दिल्ली से देहरादून सफर करने वालों के लिए आज बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड को उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो मिल चुकी है। इसमें मेरठ वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि मेरठ को वंदे भारत का स्टॉप मिला है। इसी कड़ी में वंदे भारत ट्रेन के मेरठ पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जमकर भारत माता की जय हो के नारे लगाए। मेरठ की जनता खुशी जाहिर करने भारी तादाद में वंदे भारत स्टॉप पहुंची। देखिए मौके पर संजीव बालियान ने खुशी जाहिर करते हुए मीडिया से यह कहा। लायक नहीं आया देख के, पहले बताओ इसी ट्रेन को देख के इतना मजा आज तक आया, अंदर बैठते हो रहा था राजेंद्र जी को कहता मैं सारे पत्रकारों लेके मुझे फटाक से यहाँ तक आया हूँ, तो आपको भी लेके जाता, हवाई जहाज में भी आसान होंगे। बहुत शानदार सफर और जनता में बहुत उत्साह। मोदी जी का धन्यवाद, अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद। सबसे बिजी रूट है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग हरिद्वार जाते हैं। हम तो हरिद्वार जाएंगे, देहरादून जाएंगे तो इसमें जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो इसमें। हमारे लिए तो बहुत बड़ा तोहफा है सरकार। किराया कहीं ना कहीं कुछ जो कुछ देखिए, मुजफ्फरनगर से 400 रुपये किराया, 1.5 घंटे में पहुंचोगे, 400 रुपये जाने के, 400 आने के, 800 रुपये में आप दिल्ली जाके आ जाओगे। कार में जाओगे तो मुजफ्फरनगर से लगेंगे 5,000, कितने रुपए बचे 4,200 दे दो फिर। 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का, क्योंकि अमृत महोत्सव है तो 75 ट्रेन चलाने का रेल मंत्रालय ने फैसला किया। हमने भी निवेदन किया था कि कुछ हिस्सेदारी हमारी भी हो, तो अभी ये पूरी ट्रेन तो हमारी नहीं है, ये आधी ट्रेन है, क्योंकि मेरठ से गुजर रही है, देहरादून से चलेगी दिल्ली जाएगी, दिल्ली से चलेगी देहरादून जाएगी। हमने इसके अलावा मेरठ से लखनऊ और मेरठ से कटरा ये ट्रेन भी हमने आ गई थी, और हमें विश्वास है कि वो ट्रेन भी शीघ्र आएंगी। खासतौर से मेरे पसंद तो वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरा जो रेल यात्रा है, ये रेल यातायात है, वो अपग्रेड हो गया, और आप देखेंगे कि उसके परिणाम स्वरूप रेलवे की सुरक्षा है, संरक्षा है, रेलवे की यात्रा की क्वालिटी है, वो सब अपनी है और ये सब दिखाई भी देता है।